मैं अनुराग सिंह राहुल खन्ना सर के एजुकेशन थ्रू थिएटर का एक छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष पेरेंट्स रिस्पेक्ट पर एक प्ले करूँगा, तो चलिए। अरे रोहन, आज का होमवर्क तो मैथ्स का बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, वैसे तो मुझे भी लग रहा है डिफिकल्ट है। मेरे को याद आया, हम एक साथ मिलकर भी तो होमवर्क कर सकते हैं, तब हमारा होमवर्क जल्दी भी हो जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर आ जाना 4 बजे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। जब मैं 4 बजे रोहन के घर गया तो ट्रिंग ट्रिंग नॉक नॉक। अरे बेटा, तुम आ गए? हाँ आंटी, मैं आ गया। नमस्ते, मैं रोहन के साथ आज का मैथ्स का होमवर्क करने आया था। आज का मैथ्स का होमवर्क बहुत डिफिकल्ट है ना? अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाओ। नहीं पापा, आपको मुझे एक नई साइकिल लाके देनी होगी, आपने 3 महीने ऐसे ही बोले हैं। अरे रोहन, तुम चिल्ला क्यों रहे हो अपने पापा पे? अरे अनुराग, क्या बताऊं, इन्होंने मुझे बोला था 3 महीने पहले, अभी भी और 2 महीने पहले भी, कि हाँ मैं साइकिल ला दूंगा बेटा, हाँ मैं साइकिल ला दूंगा, लेकिन देख लाए नहीं ये तो साइकिल। लेकिन तुम्हें उनसे बात ऐसे नहीं करनी चाहिए रोहन। तुम्हें अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर से और अपने छोटे भाई बहनों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ। अगर तुमने फिर से अपने पेरेंट्स या मुझसे ऐसा बोला तो मैं मैम से शिकायत कर दूंगा तुम्हारी। अच्छा शिकायत कर, ठीक है जा। अच्छा फिर मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं रुक जा रुक जा, ठीक है मैं अपने पापा को सॉरी बोलता हूँ। सॉरी पापा, आपके बाद मैं आपसे ऐसे बात नहीं करूंगा और मम्मी से भी नहीं करूंगा। ठीक है अनुराग, अब तुम मैम से मेरी शिकायत मत करना, वरना मुझे स्कूल में जाके बहुत डांट पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूंगा। चलो अब होमवर्क करने चलते तुम्हारे रूम में अंदर। अच्छा ठीक है चल। तो हमें अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।